सत्ता में रहते हुए कुछ करने की हिम्मत तो है नहीं। इसी धरती पर एक नेता आपने देखा होगा कि गरीबों के बीच में घूम घूम करके, गरीबों के चाहे ऑपरेशन का सवाल हो चाहे इलाज का सवाल हो, बिना सदन में गए ही लाखों गरीबों का इस धरती पर इलाज कराने का काम किया कि ओम प्रकाश राजभर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो ये गरीबों की लड़ाई लड़ता है। हम सत्ता से जो होगा वो होगा, बिना सत्ता के भी अपनी ताकत इन गरीबों के बीच में इनके कल्याण के लिए लगाने का काम करूंगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले सुभाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के खिलाफ ही बड़ा बयान दे दिया है। बलिया के सिकंदरपुर में आयोजित शोषित वंचित जागरण महारैली में ओम प्रकाश राजभर ने सलेमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी से घोषित उम्मीदवार पर सवाल खड़े किए। यहाँ खुले मंच से राजभर ने सलेमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के दो बार से लगातार सांसद और तीसरी बार उम्मीदवार रविन्द्र कुशवाहा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रविंद्र कुशवाहा 10 साल से सांसद हैं, लेकिन आज तक किसी गरीब का 5000 रुपए का भी इलाज नहीं कराए हैं। राजभर ने कहा कि कुशवाहा को सत्ता में रहकर भी कुछ करने की हिम्मत नहीं है। वहीं राजेश दयाल बिना सत्ता के लाखों गरीब लोगों का इलाज करा चुके हैं। हमारे कुछ साथी बता रहे विरोधियों के विषय में क्या कहें, सत्ता में रहते हुए कुछ करने की हिम्मत तो है नहीं। इसी धरती पर एक नेता आपने देखा होगा कि गरीबों के बीच में घूम घूम करके, गरीबों के चाहे ऑपरेशन का सवाल हो चाहे इलाज का सवाल हो, बिना सदन में गए ही लाखों गरीबों का इस धरती पर इलाज कराने का काम किया। बोलो कराया कि नहीं कराया? उसका नाम राजेश सिंह दयाल है कि नहीं? बोलो कराया कि नहीं कराया? बिना सत्ता में गए वो व्यक्ति की मंशा थी कि ओम प्रकाश राजभर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो ये गरीबों की लड़ाई लड़ता है। हम सत्ता से जो होगा वो होगा, बिना सत्ता के भी अपनी ताकत इन गरीबों के बीच में इनके कल्याण के लिए लगाने का काम करूंगा। इतना ही नहीं, वहीं ओम प्रकाश राजभर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात पर कहा कि ये मीटिंग काफी गर्म रही, कुछ खट्टी कुछ मीठी भी रही। उन्होंने बताया कि रात 1 बजे तक अमित शाह से बातचीत होती रही। राजभर ने बताया कि उन्होंने अमित शाह के बुलाने पर पहले जाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि लेकिन फिर अमित शाह ने मुझे जिद्दी कहा तो मैं गया और उनके साथ 1 बजे तक बातचीत होती रही। 12 बजे हमारे देश के गृह मंत्री जी का, आप दिल्ली आ जाओ। मैं कहा मैं नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि यार आप बहुत जिद्दी हो। हमने कहा जिद्दी नहीं है, हम खाली नहीं है। हमारा 3 तारीख को बलिया कार्यक्रम है, 4 को आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ फैसले लेने हैं, आप आ जाओ। मैंने भी कहा कि चलो, आपके पास अगर हेलीकॉप्टर है तो हमारे पास भी 4 चक्का गाड़ी है, हम जवाब देंगे आपका। और मन बना करके मैं और भी राजभर निकले, बनारस गए। 5 बजे फिर हम लोग पहुंचे, दिल्ली गए। 1 बजे तक हमारी उनकी वार्ता होती रही। बता दें कि भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए में शामिल सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इसी हफ्ते मंत्री बनने की उम्मीद जताई है, लेकिन अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ ही बड़ा बयान दे दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बलिया से मुकेश मिश्र की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।